अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो दिन का शुरुआत है, तो आज आप लोगों के साथ मैं चाय के साथ दिन का शुरुआत करने जा रही हूँ। तो अभी बज रहे है दोपहर का टाइम, करीबन 12:30 बजे। तो मैं यहाँ पे दोपहर का चाय, हम लोग तीन बार ही चाय पीते हैं, तीन टाइम चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध उबालने के लिए बैठा दिया है, दूध भी उबाल लिया है। तो अब मैं उसमें डाल देता हूँ, डायरेक्ट पानी नहीं डालता, डायरेक्ट दूध में ही चाय को उबाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया है एक चम्मच करीब चाय पत्ती, साथ ही साथ यहाँ पे मैंने मसाला चाय बना रही हूँ। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर दे देता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दालचीनी इलायची मैंने इस तरह कर लिया है, उसे भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जिन लोगों को चीनी खाना पसंद नहीं है तो वो लोग गुड़ के साथ चाय खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दिया गुड़, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड चीनी नहीं खाते हैं चाय के साथ। कभी कभी हम लोग मीठा खाने के मन करता है तो गुड़ के साथ खा लेता हो, नहीं तो शुगर फ्री खा लेता हो। तो ये है मेरा चाय, तो ये है मेरा चाय बन गया है। तो ये है हमारा चाय बन गया है, ये साथ ही साथ मैंने बिस्कुट भी ले लिया है। तो चलिए अभी चाय पी लेते हैं। तो मेरा चाय पीना हो गया है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक टोनर है मेरा हाथ में, आप लोग दिखाई दे रहे हैं, ये एक टोनर है और दूसरा ये एक टोनर है। इन दोनों का फ़ायदा मैं बताने वाला हूँ। तो मैं ये बताने वाला हूँ, जिन लोगों को जो ओपन पोर्स है तो ये लोगों के लिए मैंने ये वाला जो टोनर है उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। इस ये वाला टोनर मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिन लोगों को ओपन पोर्स है ये टोनर यूज़ कीजिए, क्योंकि मेरा ओपन पोर्स था तो मैं उसे जुलाई महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसे यूज़ करने के बाद मेरा फेस में जितना जो ओपन पोर्स है सभी रिमूव हो गया है, साथ ही साथ मेरा शाइनिंग ग्लोइंग जो नारिशिंग है सभी चीज़ हो गया है, सभी मेरे फेस में दिखाई दिया है। तो उसके लिए मैं जिन लोगों को ओपन पोर्स है उसके लिए मैं ये लगाने के लिए 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो उसका प्राइस है, वो ग्रीन टी का है, अल्कोहल फ्री है टोनर, आप लोग शायद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसका प्राइस है 390। तो मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा है तो मुझे 354 में ख़रीदा है मैंने ऑनलाइन से। तो इसके फ़ायदा वही है, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है पहले वही प्रॉब्लम आपको ख़त्म करना है। तो मेरा प्रॉब्लम है ओपन पोर्स का, तो ओपन पोर्स मेरा ख़त्म हो गया है, साथ ही साथ मेरा सभी चीज़ अपने आप ही हो गया है, जो फेस का ग्लोइंग शाइनिंग नरिशिंग सभी चीज़ मेरा अपने आप हो गया है। उसके साथ में ये जो टोनर है, पहला मैंने ये टोनर यूज़ किया है इस ओपन पोर्स के लिए, लेकिन उसमें मैंने कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन वो बुरा भी नहीं है, अच्छा है, लेकिन ओपन पोर्स के लिए एक बिल्कुल भी नहीं है ये ओपन पोर्स के लिए, ऐसे ये टोनर अच्छा है। तो ये भी लगा सकते हैं लेकिन ओपन पोर्स के लिए नहीं लगा सकते, इसके कोई रिजल्ट नहीं आया मुझे ओपन पोर्स के लिए। तो यही है मेरा जो है, उसका लगाने का तरीका क्या है, आपको दो टाइम लगाना है, मैं इसे दो टाइम ही लगाता हूँ, सुबह नहाने के बाद एक बार और रात सोने से पहले। तो सुबह तो आप जिससे वॉश करते हैं ताकि फेस वॉश से है जो भी है, अब उसे फेस वॉश कीजिए, उसके बाद ये लगाइए, उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं उसे लगा लीजिए,
और रात भी ऐसा है कि अभी तो विंटर की सीजन है तो आपको पानी से फेस नहीं धोने का मन कर रहा है तो आप इसी टोनर से कॉटन में 3-4 बूंद ले लीजिए, लेके उस आपके अपना फेस पहले वॉश साफ कर लीजिए, वॉश कीजिए। उसके बाद आपने फिर से हाथ में इस तरह हाथ में 2-3 बूंद आप ले लीजिए, लेके उसे इसी तरह हाथ में इस तरह कीजिए। करने के बाद आप इस तरह डब 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 करके आप अपना फेस और नेक में लगा लीजिए और उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो पूरा अपजात हो जाए। और उसके लगाने पर आपको फील होगा कि आपको पूरा क्लीन लगेगा, आपको फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। ऐसा करके आप करीबन हफ्ते या 15 दिन आप यूज करके देखिए, आपको अपने आप रिजल्ट आप खुद ही मिल जाएगा आपको। तो आप ऐसे लगा लीजिए रात में लगाने साफ करके। ये टोनर लगाने के बाद आप जो भी लगाते हैं, आपको मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम जो भी लगाते हैं वो लगा लीजिए। तो ये है मेरा टोनर का वीडियो। तो आप लोग मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हैं तो मुझे डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो प्लीज़ एक वीडियो में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।